Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. 30 मार्च 2022 लोकसभा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया। ये बिल दिसंबर 2021 में सदन में पेश किया गया था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में संशोधन करता है। इन तीनों एक्ट से बने इंस्टीट्यूट देश में CA, CMA और CS तैयार करने और उन्हें रेगुलेट करने की प्रोफेशनल बॉडी है। क्या है इनके काम और क्या नए संशोधन हुए हैं, आइए इन्हें समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इन तीनों संस्थानों के बारे में भी जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया यानी ICAI भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की परीक्षा कराता है। ICAI के मामलों का प्रबंधन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार एक काउंसिल द्वारा किया जाता है। CA का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, सलाह देना, अकाउंट ऑडिट करना, बैलेंस शीट बनाना और टैक्स संबंधित काम होता है। CA बनने के लिए 3 स्टेज की परीक्षा पास करनी होती है। पहला कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी CPT, जो 12वीं के बाद दिया जा सकता है। इसे पास करने के बाद इंटीग्रेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स यानी IPCC और फिर तीसरा स्टेज होता है फाइनल कोर्स यानी FC। IPCC के बाद 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद छात्र फाइनल एग्जाम देता है और उसे पास करने के बाद ICAI का मेंबर बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 5 साल का समय लग जाता है। जिस तरह से देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तैयार करने और रेगुलेशन का जिम्मा ICAI के पास होता है, उसी तरह कंपनी सेक्रेटरीज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI है। ये कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अंतर्गत स्थापित एक प्रोफेशनल बॉडी है। कंपनी के मैनेजमेंट, कानूनी जरूरतों और बेहतर प्रशासन के लिए सरकारी और निजी कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। उसका काम कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ तालमेल बनाकर काम करना होता है। ICAI और ICSI की तरह देश में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के रेगुलेशन का जिम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया यानी ICMAI के पास होता है। इस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंतर्गत किया गया था। CMA कंपनी में कॉस्ट मैनेजमेंट यानी लागत प्रबंधन का काम करते हैं। ये कॉस्टिंग, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, कॉस्ट रिकॉर्ड और टैक्सेशन के वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। CA और CS की तरह CMA के लिए भी 3 लेवल की परीक्षा देनी होती है। सबसे पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल कोर्स। The Chartered Accountants, the Cost and Work Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2021 इस साल 30 मार्च को लोकसभा से पास हो गया। इस बिल में किए गए कुछ प्रमुख बदलाव ये हैं। तीनों संस्थानों यानी ICAI, ICMAI और ICSI के बीच प्रोफेशंस के आपसी सामंजस्य और विकास के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। तीनों संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव इसके सदस्य होंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे। हर 3 महीने में इस कमेटी की बैठक होगी। बिल में संशोधन के जरिए 2 डिसिप्लिनरी बॉडी में नॉन अकाउंटेंट्स की संख्या बढ़ाई जाने की बात की गई है। इन मेंबर्स के नाम संस्थानों के काउंसिल द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे और केंद्र सरकार इनका चयन करेगी। बिल में संशोधन के जरिए तीनों काउंसिल को कई डिसिप्लिनरी बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। बोर्ड के प्रमुख समेत 3 में से 2 सदस्य काउंसिल के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि काउंसिल की ओर से केंद्र सरकार को दिए जाएंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इन्हें नामित किया जाएगा। अब तक तीनों काउंसिल अपने अपने एक्ट के अंतर्गत डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन करती आ रही है। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, 3 सदस्य काउंसिल के मेंबर होते हैं और 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। बिल में संशोधन के जरिए अब कमेटी में 3 बाहरी सदस्यों का प्रावधान किया गया है। कमेटी का प्रमुख भी संस्थानों का सदस्य नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए नाम काउंसिल की ओर से ही सरकार को दिया जाएगा। बिल में संशोधन के जरिए प्रावधान किया गया है कि अनुशासनात्मक शिकायतों का निवारण एक निश्चित समय सीमा के भीतर हो जाए।
इसके लिए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को 90 दिन और डिसिप्लिनरी कमेटी को 180 दिन की समय सीमा दी गई है। बिल में संशोधन के जरिए फर्म्स के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, साथ ही इंस्टीट्यूट्स को फर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। अगर किसी फर्म का पार्टनर या मालिक पिछले 5 वर्षों के दौरान दुर्व्यवहार का बार बार दोषी पाया जाता है तो फर्म के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बात ये कि इन पर क्या आपत्तियां हैं। तीनों संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पहले से कमेटी बनी हुई है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक और कमेटी की जरूरत क्या है। साथ ही बिल में प्रस्तावित कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को बनाया जाएगा, जिससे तीनों संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित होने की बात कही जा रही है। बिल में दोनों डिसिप्लिनरी बॉडी में बाहरी सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसी पर तीनों संस्थानों की ओर से सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि बार काउंसिल में वकील ही मेंबर होते हैं, मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर ही मेंबर्स होते हैं, लेकिन सीए के डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में एक गैर सीए चेयरमैन क्यों होगा। दलील दी जा रही है कि गैर सीए मेंबर्स को अकाउंटिंग और ऑडिट के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी एक सीए को होगी, इसलिए प्रोफेशनल्स के व्यवहार को केवल प्रोफेशनल्स द्वारा ही आंका जाना चाहिए। अनुशासनात्मक शिकायतों को निपटाने के लिए बिल में एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान किया गया है। इस पर यह कहकर आपत्ति जताई जा रही है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनकी जांच में निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लग सकता है। जल्दी जल्दी मामलों को निपटाने के लिए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता। बिल में सीए फर्म्स के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। अब तक आईसीएआई के पास केवल अपने मेंबर्स यानी सीएस पर कार्रवाई का अधिकार था। संशोधन बिल में अनुशासनात्मक जांच में दोषी पाए जाने पर फर्म को सस्पेंड, स्थायी निष्कासन या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इस संशोधन पर यह कहकर आपत्ति जताई जा रही है कि किसी एक पार्टनर के गलत आचरण की वजह से फर्म को या फिर अन्य पार्टनर्स और कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब ये बिल आया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई करने वाले या इस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। आईआईए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, जैसे देश में आईआईटी आईआईएम्स हैं, उसी तरह से अकाउंटेंट्स के लिए आईआईए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स होता है। कहा जा रहा था कि आईआईए 5 साल की डिग्री देगा जो सीए के बराबर होगी। फाइनेंस की सदस्य स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इसका सुझाव दिया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों और इस फील्ड से जुड़े लोगों के बीच इसे लेकर खूब चर्चा भी थी। सोशल मीडिया पर इसका खूब विरोध भी हो रहा था, हालांकि इसका बिल में कोई जिक्र नहीं है। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी गौरव ने। मैं हूं हर्षदा, देखते रहिए डी लल्लन टॉक। शुक्रिया।